अनुपमा मैं दिखाई देगा, अनुपमा उसके और यस्तिप के बीच हुई डील तोड़ देगी, लेकिन यस्तिप कागजों पर साइन करने से पहले कहेगा कि क्या इस डील को तोड़ने से सब ठीक हो जाएगा, क्या इससे सभी की नौकरी वापस आ जाएगी, जो बदनामी रेस्तरा की हुई है और जो घाटा हमने झेलना पड़ा है, क्या वो सब ठीक हो जाएगा। इस पर अनुपमा कहेगी कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन रेस्तरा फिर से खुल सकता है अगर असली दोषी का नाम सामने आ जाए तो, चीज़ें फिर से ठीक हो सकती है। अनुपमा अपने बॉस के सामने कसम खाएगी कि वो असली गुनहगार को सामने लाकर रहेगी। यस्तिप वनराज शाह और आतिया समेत बहुत से लोगों को यही लगता है कि स्पाइसी चटनी में जो कुछ हुआ वो सब अनुपमा की गलती थी। अनुपमा की लापरवाही के चलते उस दिन खाने में कॉकरोच निकले और अनुपमा की वजह से ही रेस्तरा का नुकसान हुआ है, लेकिन असली दोषी कौन है ये अभी तक किसी को नहीं पता। एक तरफ जहाँ सबकी सुई तोसों की तरफ जा रही है, वहीं यस्तिप का कट्टर दुश्मन गुलाटी भी कुछ कम नहीं है। इसके अलावा श्रुति जिस तरह से बार बार किसी शख्स से कॉल पर सीक्रेटली बात कर रही थी, उससे यह भी लगता है कि शायद उसी ने बदला लेने के लिए अनुपमा के साथ ऐसा किया हो। इसके अलावा स्पाइसी चटनी का वेटर राहुल शायद तोसों से बदला लेने के लिए इस तरह की हरकतें कर बैठा हो।